The Hindi voice of NBA games Neeti Rawat, who is a national-level volleyball player and multi-sports commentator, told NNIS Sports she had never planned to make commentary as an occupation. She believes it was pure luck that she landed in this role and then it's her love for the work that has made her popular. Neeti Rawat, while talking about how did the journey start as a sports commentator, said, she was a national-level volleyball player and dreamt of representing India. But destiny had other plans when DD Sports asked her to become a commentator. She grew into the role as her work was appreciated. First of all, thank you. मेरे लिए बहुत proud moment है जब भी कोई बोलता है कि मैं एक इकलौती female multi sports commentator हूँ और लेकिन commentary कभी भी plan A नहीं था. It was always a plan B for me. हमेशा because I'm a sports person, मैं एक volleyball player हूँ तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है और उसी में कुछ करना है. लेकिन commentary एकदम से मुझे अचानक से जब मौका मिला 2007 में मैं national games खेलने गई थी. वहाँ पर volleyball के लिए कुछ commentators की ज़रूरत थी. DD Sports was the host broadcaster. तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि क्या जस्ट डीडी स्पोर्ट्स ने मुझसे पूछा कि क्या आप कमेंट्री करोगे. तो आई सेड यस आई कैन डू कमेंट्री एंड इट वाज फॉर वॉलीबॉल स्पोर्ट. तो बेसिकली मुझे लगता है कि वॉलीबॉल प्लेयर थी तो मुझे उस गेम की काफ़ी बेसिक नॉलेज, उसके रूल्स रेगुलेशंस से मैं पूरी तरह से वाकिफ थी और मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट के लिए कमेंट्री करना, क्योंकि खुद जब आप प्लेयर हो तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं. तो इट ऑल स्टार्टेड इन 2007 व्हेन आई गेट अ चांस व्हेन आई गॉट अ चांस टू डू कमेंट्री फॉर डीडी स्पोर्ट्स इन वॉलीबॉल. और वहाँ पे जब उन्होंने मेरी वॉलीबॉल कमेंट्री सुनी तो उन्होंने मुझे फिर नेटबॉल में भी कमेंट्री करने का मौका दिया. फिर मैंने नेटबॉल में भी कमेंट्री की. वहाँ से मुझे थोड़ा सा क्रेज़ आना शुरू हो गया कि नहीं, कमेंट्री एक अच्छी फील्ड है, इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसमें भी कुछ आई कैन ट्राई माई हैंड्स इन कमेंट्री ऑल्सो. तो 2007 में मैंने जब नेशनल गेम्स किए उसके बाद में उस दौरान बीच में ही कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली रेडियो के लिए काम करने के लिए. एक खेल खिलाड़ी कर एक शो होता था, उसके लिए मैं शाम को वॉइस ओवर्स करती थी, रिपोर्टिंग करती थी. तो धीरे धीरे मेरा वो जो कमेंट्री को लेके, वॉइस ओवर्स को लेके और ब्रॉडकास्टिंग को लेके इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होने लगा. और जैसे ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मुझे लगा कि इस फील्ड में कुछ तो ट्राई करते हैं. 2008 में ड्यूरिंग बीजिंग ओलंपिक्स, क्योंकि पहले क्या होता था कि ज़्यादातर जितने भी बड़े स्पोर्ट्स थे, मल्टीपल स्पोर्ट्स लाइक इवेंट्स होते थे, जो जैसे एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, आपका ओलंपिक्स हो गया, इन सब के जो राइट्स थे, टेलीकास्ट राइट्स, वो डीडी स्पोर्ट्स के पास होते थे. तो डीडी स्पोर्ट्स से मुझे चांस मिला कॉमेंट्री करने का. मैंने 2008 ओलंपिक्स में, बीजिंग ओलंपिक्स जब हुए थे तो जब डीडी स्पोर्ट्स जो है लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, तो उस दौरान मैंने एज अ रिसोर्स पर्सन काम किया टीम में, ब्रॉडकास्टिंग टीम के साथ में एज अ रिसर्च टीम जो होती है उसमें काम किया. काफ़ी एंकर्स को, एंकर सपोर्ट हम कहते हैं कि एंकर्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने के लिए एक टीम चाहिए होती है, तो उस टीम में काम किया. उसके बाद धीरे धीरे उसी 2008 में ओलंपिक्स के बाद ही मुझे टेलीविज़न में आने का मौका मिला और एक शो चलता था स्पोर्ट्स आवर करके, तो वो शो मैं इनिशियली किया करती थी. तो मुझे एक्चुअली अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरी जो शुरुआत हुई है टेलीविज़न को लेकर एज अ कॉमेंटेटर, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और इन रिसर्च टीम, ये मैंने 2007 में शुरू किया. और तब मुझे लगता था कि शायद तब ये नहीं पता था कि इस फील्ड के साथ मैं कहाँ तक जाऊँगी. लेकिन टुडे आई एम, मतलब जहाँ भी मैं हूँ मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि इकलौती फीमेल मल्टी स्पोर्ट्स कमेंटेटर है, ये मेरे लिए बहुत प्राउड प्राइड की बात है. और इनिशियली मुझे लगता था कि शायद इंग्लिश में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हिंदी में कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं. लेकिन स्लोली स्टेडली आफ्टर 10 ईयर्स, लाइक पिछले 5 सालों में ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीकास्ट में लेके काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. और अब मुझे लगता है कि जो डिसीजन मैंने 10 साल पहले लिया था, वो डिसीजन मुझे लगता है कि शायद वो डिसीजन बिल्कुल ही करेक्ट था, बिल्कुल सही था. और मैंने स्टिक किया कि मैं हिंदी में ही कमेंट्री करूं और इसीलिए आज मैं एक हिंदी फीमेल वॉइस हूं जो मल्टीपल स्पोर्ट्स कर रही हूं.
2016 रियो ओलंपिक्स में स्टार स्पोर्ट्स के साथ मुझे बिग ब्रेक मिला, जिसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। डीडी स्पोर्ट्स के साथ काफ़ी साल काम करने के बाद मुझे लगा कि कोई बड़े चैनल के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आगे ग्रो करना है। देन आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे 2016 रियो ओलंपिक्स में स्टार के साथ काम, स्टार स्पोर्ट्स के साथ काम करने का मौका मिला। और इनफैक्ट मैंने जब ओलंपिक्स का जब ओपनिंग डे था, ओपनिंग डे में वाटर पोलो इवेंट हुआ, तो वाटर पोलो पे मैंने कमेंट्री की। मैंने वाटर पोलो की, एथलेटिक्स किया, स्विमिंग किया, बास्केटबॉल किया, हैंडबॉल किया, वॉलीबॉल किया, बीच वॉलीबॉल किया। तो काफ़ी सारे मल्टी स्पोर्ट्स में कमेंट्री करने का एक बड़े चैनल के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और फिर अपने आप रास्ते खुलते गए। तो कंक्लूजन इज़ दैट कि माय जर्नी इन कमेंट्री और या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो जर्नी है टेलीविजन में या ब्रॉडकास्टिंग में, इट ऑल स्टार्टेड इन 2007 एंड हियर आई एम टुडे।